कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है जब उसे लगता है कि अब उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, अब उसके पास कुछ भी नहीं और अब वो शायद कुछ भी नहीं कर सकता। हर इंसान अपना पेशेंस अब इतनी जल्दी खो देता है कि उसको समझ ही नहीं आता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग पर और अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये हटा देना पड़ेगा कि मैं बेकार हूँ और अब मैं मुझ में हिम्मत नहीं है या मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपके पास 1 रुपए है, आप अमीर हैं। उस 1 रुपए को देखिए और ये समझिए कि आप महान हैं, आप धन हैं। उस 1 रुपए को अब आपको बढ़ाना कैसे है, आपको उसके बारे में ध्यान देना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि आप बेकार हो चुके हो और आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर आपको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जब भी आप कुछ ऐसी स्थिति में हो ना, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखिएगा। आपको तब समझ में आएगा कि आप कितने खुशनसीब हैं और आपको कितनी अच्छी ज़िंदगी मिली है। आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। बस आपको कभी हिम्मत नहीं हारना है और अपने हौसले को कम नहीं होने देना। देखिएगा तब जीत सिर्फ आपकी होगी। और कभी गलत काम करने की ना सोचे, कभी झूठ बेईमानी से पैसा कमाने के बारे में ना सोचे। हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाएं। सही ढंग से किया हुआ काम और सही तरीके से किया हुआ काम आपके दिल को हमेशा सुकून देगा। इसके विपरीत गलत कामों से कमाया हुआ धन आपको हमेशा डर, अपमान और अशांति को ही जन्म देगा। यहाँ मैं आपको गौतम बुद्ध की कहानी के बारे में बताना चाहूँगी जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानी है शाजापुर ज़िले की, जो सत्य घटना पर आधारित है। जहाँ एक किसान रहता था, उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन दाल रोटी अच्छी चल रही थी। उनके घर की मुख्य महिला को गोबर के उपले बनाने का शौक था, या धुन थी पता नहीं। उनके पति को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। पति के मना करने के बावजूद वह उपले बनाती और चुपचाप घर में बने अंडरग्राउंड थैखाने में जाकर रखाती थी। अब उनकी धुन इतनी बढ़ गई थी कि वह सड़क पर पड़े गोबर बटोर कर उपले बनाने लगी। एक दिन उसके पति को बहुत गुस्सा आया, उसने उसको बहुत मारा पीटा और घर से निकाल दिया। वो पता नहीं कहाँ गई, आज तक किसी को पता नहीं चला। फिर एक दिन उसके पति ने किसी कारणवश वो तहखाना खोला। उसमें इतने सारे उपले देखकर वह चौंक गया। उसने कई ट्रक भर कर उपले निकाले, उसमें उनको बेचा और इतना पैसा आया कि उसने अपना अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर लिया। ये घटना आज से 25 साल पुरानी है। शाजापुर में अभी नामी गिरामी लोगों में उनका नाम आता है। मैं ये नहीं कहती कि आप भी उपले बनाने में लग जाओ, लेकिन मेरा कहना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। हिम्मत हार के बैठने से अच्छा है हम कोई भी काम करें। चींटी कितनी बार गिरकर उठती है, जबकि वह कितनी बार पैरों तले कुचली जाती है, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती और निडर होकर अपना काम करती है, बिना रुके बिना थके। हमें उससे कुछ सीखना चाहिए, फिर हम तो इंसान हैं। इसलिए हमेशा गिरकर उठने की चेष्टा करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। आज की कहानी उन लोगों के लिए थी जो हिम्मत हार चुके हैं, जिन्हें लगता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। आपको उस कारण को सिद्ध करने की कोशिश करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद।